ये मेरे हरे चारे का खेत है, इसे बरसीन बोलते हैं, और इसी खेत के कुछ पेड़ों पे मुझे अमर बेल देखने को मिल रही है। अमर बेल एक परजीवी पौधा है, ये दूसरे पेड़ों से चिपक करके उसका रस चूस करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इस पौधे की खास बात ये है, इसमें कोई भी जड़ नहीं होती है, कोई भी पत्ते नहीं होते हैं, पूरा का पूरा पेड़ पीले रंग का होता है, क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं पाता है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपना खाना बनाने में सक्षम नहीं है। जिस भी पेड़ पे होता है उसी पे पूरी तरह से ये डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसे परजीवी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि दूसरे पेड़ों पर निर्भर करता है। लेकिन इस पौधे में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण भी हैं, और आज की वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे। इस पौधे को अमर बेल शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर आप इस पौधे को उखाड़ भी देते हैं, इसके बीज अगर बन गए तो लगभग 3 से 4 साल तक वो डोरमेंसी में पड़े रहेंगे। जैसे ही अनुकूल माहौल मिलेगा फिर से ये इसके पेड़ उगेंगे, पेड़ पे फैलेंगे और पूरे के पूरे पेड़ को ढक लेते हैं। जिस भी पेड़ पे ये उगता है उसका रस चूस करके उस पेड़ को कमज़ोर कर देता है। ये पेड़ को मारता तो नहीं, लेकिन उसे इतना कमज़ोर कर देता है कि कोई भी रोग, कोई भी कीड़े उस पे अटैक करके उस पेड़ को मार सकते हैं। ये कमी होने के बाद भी ये पौधा औषधीय गुणों से भरा हुआ है, और कई रोगों में औषधीय रूप में इसका प्रयोग बहुत पहले से किया जाता रहा है। इसकी लगभग 2 से 1 प्रजातियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं ये पौधा दूसरे पेड़ों पे उगना शुरू हो जाता है। लंबे सर्द मौसम में ये पौधा खत्म हो जाता है। मेरे यहाँ पे इसका प्रयोग जिनके घुटनों में दर्द, गठिया रोगों से पीड़ित लोग किया करते हैं, वो लोग इसे तोड़ करके ले जाते हैं, इसे पीसते हैं और गर्म करते हैं। उसके बाद जहाँ भी उन्हें दर्द होता है, जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मोच के कारण आने वाला दर्द, वहाँ पे इसे गुनगुना करके वहाँ पे रख देते हैं। कुछ देर के बाद ये वहाँ का दर्द सोख लेता है। तिल, नारियल या फिर सरसों के तेल में इसे टुकड़े करके डाल दिया जाता है। काफ़ी दिनों तक धूप में रखने के बाद जो तेल निकलता है उसे छान लिया जाता है, उसे दर्द हो रहे स्थान पर लगाने से दर्द में निजात मिलता है। आप इसे पीस लें, पीस करके आप इसका काढ़ा बना लें, उस काढ़े से आप स्नान करें, या फिर जहाँ भी आपको मोच चाहिए वहाँ पर उसकी सिकाई करें, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। किसी को बालों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे कि बालों का झड़ना, रूसी का होना, वहाँ पे भी इसके प्रयोग से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लगभग 50 ग्राम अमर बेल को लें, उसे कूट लें, उसे आप उबाल लें, उस उबले हुए पानी से अपने बाल को धुलें, आपके बालों में जो रूसी होगी, बालों का झड़ना होगा, वो दूर हो जाएगा। इसके काढ़े को छान करके आप घाव लगे स्थान की धुलाई करते हैं तो घाव में भी आपको लाभ देखने मिलता है। चोट की वजह से अगर सूजन होती है वो सूजन भी खत्म हो जाती है। यही नहीं, अगर आपको खुजली भी हो रही है तब भी आप इसके काढ़े से उस खुजली वाले स्थान की धुलाई कर दें या फिर स्नान कर लें, आपकी खुजली की समस्या भी दूर हो जाएगी। कोई मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोगी है तो इसका 10 ml रस उसे आप दें, उसका मस्तिष्क शांत रहेगा। इसके साथ ही साथ कोई पाइल्स यानी कि बवासीर का रोगी है, इसके 10 ml रस को लें आप, 5 ग्राम उसमें काली मिर्च मिलाएं, उसे आप डेली सुबह वही मिला करके दें पानी के साथ, उसके पाइल्स में भी 2 से 3 दिन में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। गर्मियों में उठपटांग खान पान की वजह से फैटी लीवर होना बहुत ही आम समस्या है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के पेट में दर्द गर्मियों के महीने में बना रहता है। तो अगर आपके जानने वाले को या फिर आपको ही फैटी लीवर की समस्या है, पेट से जुड़ी हुई समस्या बनी रहती है, तब आप उसे इस काढ़े को दें, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप अमर बेल के पेड़ को उखाड़ करके सुखा लें, सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना करके रख लें। जब भी किसी को बुखार हो उस चूर्ण का सेवन करें, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। 5 से 10 ग्राम अमर बेल की ताजी टहनियों को लेकर के आप कूट लें, उसे कपड़े की पोटली बना करके आप दूध में डाल दें। दूध को आप धीमी आंच पे पकाते रहें, जब दूध लगभग 1/4 बच जाए उस दूध को आप जिसे भी देंगे उसकी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी कोई भी होगी, वो दूर हो जाएगी। अमर बेल का प्रयोग चीनी चिकित्सा पद्धति में बहुत ज्यादा आम है, जिसके बारे में वहाँ पे ये माना जाता है कि ये लीवर और किडनी को मजबूत करता है। अगर किसी को किडनी से जुड़ी हुई समस्या है, पेशाब रुक रुक के आती है या फिर किडनी में स्टोन है, वहाँ पे भी आप अमर बेल के काढ़े को अगर देते हैं तो उसकी पेशाब खुलकर आएगी और किडनी में जो स्टोन होगा वो भी टूट करके बाहर आ जाएगा। चीन के साथ ही साथ हिमालय की क्षेत्रीय चिकित्सा पद्धतियों में भी अमर बेल की प्रजातियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है। इस पेड़ को पहचानना बहुत ही आसान है, इसके पीले रंग के आप लताओं से बड़े आराम से इसको पहचान सकते हैं। इस पेड़ में कोई भी पत्ते नहीं होते, छोटे छोटे से सफेद रंग के फूल आते हैं और इसमें इसके फल भी लगते हैं, और इनके फलों में जो बीज निकलता है उसी से ये एक जगह से दूसरी जगह पे उगते रहते हैं। अक्सर आप इनको रोड के किनारे जंगलों में बड़े आराम से उगा हुआ देख सकते हैं। अगर आपके किसी पेड़ पे अमर बेल का प्रकोप बना रहता है, आप बार बार उखाड़ के उसे थक चुके हैं, तो आपको करना ये चाहिए, उसे उखाड़ने के बाद आपको ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, उसे उखाड़ने के बाद
आप उसे सुखा ले, सुखाने के बाद उसे जला के खत्म कर दें। क्योंकि होता क्या है, पेड़ में जो बीज बचे रहते हैं वो पेड़ बीज कहीं पड़े रहेंगे, डॉर्मेंसी में पड़े रहेंगे, जैसे ही उनको अनुकूल माहौल मिलेगा वो वहाँ पे तुरंत उग जाएंगे और आसपास इनको जो भी पेड़ मिलेगा उसे ये पूरे तरीके से ढक देंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अपने एक्सपीरियंस आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।